वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अपटूडेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। जैसलमेर में शादी के बाद दिल्ली पहुंचे सिद्ध कियारा। न्यूली वेड कपल ने पेपराजी को अपने हाथों से बांटी मिठाइयां। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फरवरी को 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गए हैं। ये रॉयल वेडिंग जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में हुई, जिसमें लिमिटेड गेस्ट ही मौजूद रहे। ऐसे में शादी के बाद 8 फरवरी को न्यूली वेड कपल दिल्ली पहुंचा। इस दौरान सिद्ध कियारा रेड कलर के ट्रेडिशनल आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए नजर आए। दिल्ली पहुंचने के बाद कपल ने मीडिया से मुलाकात की और उन्हें मिठाइयां भी बांटी। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी दुल्हनिया को लेकर अपने दिल्ली वाले घर पहुंचे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि सिद्धार्थ का घर लाइटों से सजा हुआ है। घर के बाहर जमकर ढोल बज रहे हैं। इस दौरान उनके परिवार के कुछ सदस्य डांस भी करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सिद्ध कियारा ने भी उन्हें ज्वाइन करते हुए डांस किया। आपको बता दें कि जैसलमेर से निकलते वक्त सिद्धार्थ और कियारा वेस्टर्न लुक में नजर आए थे, लेकिन कपल जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने लुक को देसी लुक में बदल दिया। इस दौरान कियारा रेड कलर के आउटफिट में नजर आईं। मांग में सिंदूर, हाथों में गुलाबी चूड़ा और गले में मंगलसूत्र पहने एक्ट्रेस बेहद ही प्यारी लग रही थी। वहीं सिद्धार्थ भी अपनी दुल्हनिया के साथ ट्विनिंग करते दिखाई दिए। सिद्ध व्हाइट पजामा के साथ रेड कलर के कुर्ते में काफी हैंडसम लग रहे थे। 7 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने के बाद सिद्ध और कियारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फर्स्ट वेडिंग पिक्चर्स भी शेयर की थी। अपनी शादी में सिद्धार्थ जहां गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली ऑफ व्हाइट शेरवानी में नजर आए, तो वहीं कियारा ने पिंक लहंगा पहना। इस खास फोटोज को शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने लिखा, अब हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है, हमें आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही खूब वायरल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ और कियारा ने 9 फरवरी यानी आज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए दिल्ली में एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बी टाउन के खास दोस्तों के लिए 12 फरवरी को मुंबई में एक ग्रैंड पार्टी होस्ट होगी। दिल्ली से सिद्धांत मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, E24। इंडियन स्पाई रविंद्र कौशिक की बनेगी बायोपिक। अनुराग बसु करेंगे द ब्लैक टाइगर का डायरेक्शन। फिल्म मेकर अनुराग बसु ने 9 फरवरी को भारत के सबसे मशहूर स्पाई रविंद्र कौशिक की बायोपिक बनाने का ऐलान किया है। अनुराग अब तक गैंगस्टर, बर्फी, लाइफ इन अ मेट्रो और लूडो जैसी शानदार फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं। ऐसे में अब वो रविंद्र कौशिक के साहस और वीरता की कहानी को बिग स्क्रीन पर उतारने जा रहे हैं। अनुराग का कहना है कि रविंद्र जैसे गुमनाम नायकों की कहानियों को लोगों के साथ साझा किया जाना चाहिए। उनके परिवार के सदस्यों ने हमें बायोपिक के लिए अपनी सहमति दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का नाम द ब्लैक टाइगर रखा जाएगा। दरअसल रविंद्र कौशिक को इसी नाम से बुलाया जाता था। वेल, बीते दिनों में भी इस बायोपिक को बनाने की खबरें सामने आई थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि इस फिल्म में सलमान खान रविंद्र कौशिक का रोल प्ले करेंगे। ऐसे में अब अनुराग बसु ने इस फिल्म को बनाने का तो कंफर्मेशन दे दिया है, लेकिन फिलहाल फिल्म की कास्ट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। रविंद्र कौशिक की बात करें तो उनका जन्म 11 अप्रैल साल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। उन्होंने वहां से ही ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। टीनेज से ही कौशिक को थिएटर और एक्टिंग का शौक था। एक बार रविंद्र कौशिक ने लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर के नाटक में हिस्सा लिया था। इसी दौरान रॉ के अधिकारियों की रविंद्र पर नजर पड़ी और उनसे संपर्क किया। इसके बाद रविंद्र कौशिक को रॉ के अधिकारियों ने इंडियन स्पाई बनने की नौकरी ऑफर की, जिसके बाद उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने अपना नया नाम नबी अहमद शाकिर रखा। पाकिस्तान पहुंचकर कौशिक ने बदले हुए नाम के साथ कराची विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री ली और वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए, जिसके बाद वो एक कमीशन अधिकारी भी बने। साल 1995 में सच सामने आने के बाद पाकिस्तान में जासूसी के लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद नवंबर 2001 में कौशिक ने ट्यूबरक्लोसिस और हृदय रोग के कारण न्यू सेंट्रल मुल्तान जेल में दम तोड़ दिया। रविंद्र कौशिक के साहस और वीरता की ये कहानी काफी चर्चित है। ऐसे में अब अनुराग बसु इस कहानी को पर्दे पर उतारने जा रहे हैं। फिल्म का नाम ब्लैक टाइगर होगा, जिसका निर्माण अनुराग बसु, आर विवेक, अश्विन श्रीवत्सन और दिव्य धमीजा मिलकर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।
हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24, मैं हूं आपके साथ सुषमा। और आज हमारे बीच स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनके लाइफ में एक्टिंग के अलावा कोई प्लान भी नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी हिंदुजा की। सनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 में। थैंक यू सो मच सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच कहा, प्लान भी वही था, फॉलो प्लान ए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। फिल्म आ रही है आपकी 17 फेब को। जी, तो उसके लिए क्या एक्साइटमेंट है अभी आपकी? एक्साइटमेंट तो है ही। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े पैमाने पे तबीयत से एक फिल्म आ रही है, और जिसका मैं पार्ट हूँ, और बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से सबने मिल के बहुत दिल से बनाई है। तो हम चाह रहे हैं कि वो अच्छे से रिसीव हो लोगों को और अच्छा रिस्पांस मिले। फिल्म में आपका पार्ट कुछ ऐसा है जिसके बिना हीरो हीरो नहीं रहता। जी, विलन के बिना हीरो कुछ नहीं होता, एकदम विलन ही एक हीरो को हीरो बनाता है। तो ये किरदार कितना दमदार होने वाला है? पर्दे पर आप किस अंदाज में नजर आने वाले हैं? देखिए, कितना दमदार होगा या नहीं होगा या क्या होगा वो तो आप देख के बताएंगे, बट हाँ, कोशिश पूरी यही रही है। जो रोहित हैं उन्होंने बड़े प्यार से इसको, इस कैरेक्टर को बनाया है और प्यार से निकलवाया भी है हमसे, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, और कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी में लाने वाला मेरा कैरेक्टर है, और दमदार तरीके से सब कोशिशें तो की गई हैं। आई एम होपिंग कि दमदार बने भी, और जो रहेगा होपफुली दमदार लोगों को भी लगे और वो प्यार हमारा पहुंचे, जिस तरीके जितने प्यार से बनाई है उस प्यार से वो लोग देखें उसको और सराहें, यही हमारी मंशा है। रोहित ने जब ये फिल्म आपको ऑफर की तो उन्होंने आपको कास्ट किया, आपके रोल को उन्होंने स्क्रीन टाइम एक्सटेंड किया, तो आपने क्या जादू किया डायरेक्टर साहब पे? ऐसा मैंने कोई जादू नहीं किया, वो खुद ही अपने आप में एक जादूगर हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत मिलके और उनके ऑफर से बहुत मंत्रमुग्ध हो गया था। मतलब वो मेरे लिए बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी थी, ऊपर वाले ने एकदम परोस के दी, और मैंने उनको बोला कि सर, आई एम रियली एक्साइटेड और लुकिंग फॉरवर्ड, मैं चाहता हूँ कि एक बार हम स्क्रिप्ट पढ़ें और ये वो। तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा तुम्हारा रोल और डेवलप करने दो। तो वो उन्होंने किया, और उनका प्यार था या उनकी जो चाह थी, तो उन्होंने वो किया, और मैं तो बस आई वॉज ओनली एक्साइटेड एंड आई वॉज ओनली हैप्पी बाय हिज जेस्चर, जिस तरीके से उन्होंने किया, तो आई एम ओनली थैंकफुल अबाउट दैट। OTT प्लेटफॉर्म्स आपके लिए काफ़ी लकी साबित हुए हैं। जी, तो आपको एज ए एक्टर आपके लिए मीडियम कितना मायने रखता है, OTT या फिर बिग स्क्रीन? मेरे लिए तो मायने यही रखता है कि एक्टिंग मैं करूं, बड़ी शिद्दत से करूं, और पूरी ऑनेस्टी के साथ और सच्चाई के साथ मैं जितना पेश आ सकता हूं मैं वो करूं। अब वो कहीं भी हो, फिल्म हो, OTT हो, थिएटर हो, एड हो, कुछ भी हो, बस गिव योर 100%, ये मैंने सीखा है, दैट आई ट्राई टू डू एट माई लेवल बेस्ट। तो अब बात करते हैं एस्पिरेंट के संदीप भैया की। जी, जिसके लिए आप फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो आप एक्टिंग के लिए कैसे इंस्पायर हुए? एक्टिंग के लिए मैं इंस्पायर हुआ था बचपन में, जब मैं फिल्में देखता था तो मैं ऑन लूप सेम फिल्म बार बार देखता रहता था। जैसे गोविंदा जी की वजह से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, उनकी वर्सेटैलिटी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। आज मैं वर्सेटैलिटी बोल पा रहा हूँ, तब कुछ समझ नहीं थी, तब ऐसा लगता था ये एक ही जन दो दो चीज़ें एक ही फिल्म में कैसे कर रहा है, तो वो मुझे बहुत, और मैं खो जाता था फिल्मों में, वो एक मुझे पीस देती थी, वो मेरे को ऐसा लगता था कि ये सुकून की जगह यही है वो थिएटर में जाके। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें मेरे घर कर गई, और ये मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ, और इस तरीके से शुरू हुआ। और उसके अलावा मैंने बहुत कम लोगों को बोली है ये बात, मैं आमिर खान की एक फिल्म थी दिल, एक अनिल कपूर की फिल्म थी किशन कन्हैया, हमारे और घर पे दो या तीन ही ऐसे VHS होते थे, है ना, एक टाइम पे, तो मैं वही देखता रहता था दिन भर। मैंने दिल पता नहीं 500 बार देखी होगी, मुझे एक एक डायलॉग याद है, वो अनुपम खेर जी का एक एक एक्सप्रेशन याद है, वो मक्खी सब, मतलब इतना ज़्यादा मैं घुस गया था किशन कन्हैया में। मैंने डबल रोल देखा था, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या चीज़ है,
यू नो, तो ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी। और फिर अक्षय कुमार साहब को मैंने देखा जो लार्ज अंदर लाइफ, वो हेलीकॉप्टर से लटक के, मैंने कहा ये सब मैं करूँगा, ये सब मुझे ना करना है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर मतलब किया उन्होंने, मतलब अपने स्टंट्स खुद करूँगा, है ना जी, जो भी करना है हेलीकॉप्टर। इनफैक्ट मैंने जो YRF का मैंने एक बार एक टाइम पे 7 नाम का एक वेब शो किया था जो सोनी पे आया था, लिमिटेड सीरीज थी, उसमें मेरा पहला एक्शन सीन था जिसमें मैं उड़ के पहुँचता हूँ, मैं लैंड करता हूँ। आई डिड दैट बाय माई सेल्फ, उसमें मतलब कांच से बीच के टूट के थोड़ा सा लग भी गया था, बट हल्का फुल्का वॉज अ पार्ट एंड पार्सल, वो भी किया था मैंने। तो इस तरीके से जाते जाते हमारे E24 के व्यूवर्स के लिए एक अपना कोई शानदार डायलॉग जो आपका फेवरेट हो। तो ये फेवरेट भी है और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ, जैसे कि मेरा हर किरदार कुछ ना कुछ सिखाता है, पर संदीप भैया से तो बहुत कुछ सीखा है। तो ये है कि माँ बाप प्यार दोस्त, इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट एट ऑल। थैंक यू सो मच सनी, 24 से बात करने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू, आपका समय भी देने के लिए हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।